प्रीतिपूर्वक जो भी उपहार देते हो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रश्न होते हैं भगवान, जो वो वस्तु तुम जब एक वैष्णव को देते हो आदर के साथ, हमारे भक्त का प्रसन्नता संपादन करते हो, भगवान कहते हैं इससे हम अधिक प्रसन्न होते हैं। भक्ति मार्ग में सरल उपासना पद्धति, अगर इसमें मन नहीं लगता है तो कहती है देखो एकमात्र भगवत प्रसन्नता ही हमारे भजन के एकमात्र मूल प्राण केंद्र। हमारे भजन का उद्देश्य क्या है? दूसरा ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और जितना कर्म मार्ग और जितना मार्ग है, सब मार्ग में उसकी उपासना के विषय अलग है। उनकी उपासना है हम भगवत प्राप्ति करेंगे, हम संसार से मुक्त हो जाएंगे, उनकी साधना के प्राण केंद्र है। हमारे साधना के प्राण केंद्र भक्ति मार्ग में कुछ अलग है, हटके है। हमारे साधना का प्राण केंद्र क्या है? हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ चाहिए ही नहीं तो क्यों भजन करोगे? हम राधारणी की प्रसन्नता चाहते हैं, हमारे राधारणी कैसे प्रसन्न हो जाए, उनके प्रसन्नता ही हमारे साधन का उद्देश्य। यह हमारा मंजिल उपासना पद्धति, ससुख वासना रहित कृष्ण सुख को तात्पर्य सेवा। ये एक हटके, ये एक हटके उपासना। अपने लिए कुछ चाहन है नहीं, अपने कल्याण के लिए मंगल के लिए कोई चिंता है नहीं। हमारी चिंता का एकमात्र विषय है हमारे इष्ट कैसे प्रसन्न हो जाए, उनको प्रसन्न करें, उनके लिए हमारी उनकी प्रसन्नता, अपने लिए नहीं, मुक्ति भी नहीं है, तुम प्रसन्न हो जाओ। तो भगवान कहते हैं भाई हम तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवत प्रसन्नता के लिए सबसे सरलतम उपासना क्या है, इस विषय शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान कहती है सबसे उत्तम सरल उपासना, जे में भक्त जना पार्थ न भक्त श्रुति जना मद भक्त नंच जे में भक्त ते में भक्त उत्तम होता। जो हमको भक्ति करता है प्रेम करता है मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूं, हमारा भक्त से जो प्रेम करता है उसको मैं उत्तम भक्त मानता हूं। इस विषय हम लोग और भी आलोचना किए हैं, कई बार किए हैं, फिर भी एक बहुत सरल उपासना पद्धति और श्रेष्ठ उपासना पद्धति थोड़ा सा धारण करना चाहिए, है ना। तो कहते हैं मद भक्त पूजप अधिको सर्वभूत सम्मान मना, श्रीमद भगवत कहते हैं हमसे भी हमारे भक्त का सेवा अधिक होना चाहिए। एक नंबर, दो नंबर, सब में मैं हूं जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि कायम वचन से किसी को दुखी नहीं करना, कष्ट नहीं देना, बस ये सरल उपासना। मद भक्त पूजब अधिक हो, हमसे हमारे भक्त का सेवा अधिक, मुंह से संत अधिक करो लेखा रामचरित मानस, अमा हुई अमार भक्तर सेवा बड़ो चैतन्य चरितमृत। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, अलग 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 भाषा लेकिन बात एक ही है। एतक वैष्णव सेवा परम उपाय, बोलते ये संत सेवा, तुमसे कुछ होता नहीं, संत सेवा करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे सरल सहज उपाय और कुछ है नहीं। संत प्रसन्न करना, संत सेवा, संत माने जो सब कुछ परित्याग करके भगवत चरण में शरणागत होकर भगवत प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा साधन भजन तप तपस्या आदि, ऐसे जो भक्त है उनके प्रसन्नता, सेवा माने माने कुछ देना लेना खिलाना ये नहीं, उनको प्रसन्न करो, उनके सान्निध्य में रहकर या कैसे भी उनको प्रसन्न करो, एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय। इसमें भगवान अधिक प्रसन्न होता है। भगवान कहते हैं तुम हमको क्या सेवा करोगे, कौन सा वस्तु दोगे, जगत में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो वस्तु तुम्हारा है, क्या दोगे हमको, क्या सेवा करोगे, छप्पन भोग लगाते हो, विचार करो तो सभी तो हमारे वस्तु है। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता, मैं सब में व्यापृत, सब कुछ मेरा ही है, मैं ही हूं, हमसे अतिरिक्त मत अपरत रंग नान्य था, हमसे पड़े और कोई तत्व है नहीं, तो ये सभी वस्तु तो मेरा है और वो तो प्रतिरूप में मैं सब वस्तु पदार्थ में मैं ही हूं, तो क्या दोगे तुम, सब पन्नों को लगा रहे हो, हाँ बोलते ठीक है, फिर भी जब
भक्त प्रीति के साथ कोई भी वस्तु देते हैं, उपहार देते हैं भगवान, कहते हैं उसको मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ। जैसे छोटा बच्चा, बच्चे को बाबा पिता ने बाजार से मिठाई लाए, लाकर ले खा तू, और बच्चा ने लेकर के वो मिठाई नहीं खा करके पिता के मुंह में ठोस, तुम खाओ, तुम ना ना तू खा, ना ना तुम, तो वो बच्चा का हाथ से जो मिठाई है तो कैसे आनंद लगता है। क्या पिता कभी उसको त्याग सकता है? नहीं, हम बाजार से लाए, ये हमको क्या खिलाएगा, ऐसा बोल। वो अमृत से भी ज्यादा प्रिय होता है प्रेम। हम मधुगिरी जाते थे गाजीपुर में, जब थे आज से 30-35 साल पहले, गाजीपुर में जाते, एक छोटी सी लाली, पाँच साल होगी, लेकिन हमसे इतना लगा उसकी, वो अपना हाथ से एक रोटी बनाएगी हमारे लिए मधुगिरी देने के लिए। अरे आता नहीं है ऐसा हाथ में रोटी, मैया कहते मैं दूंगा, तू देना अपना हाथ से, ना वो अपना हाथ से बनाएगी हमारे लिए रोटी, बताओ। वो आता नहीं है तो कभी तो ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र, कभी तो साउथ अमेरिका, तो कभी दक्षिण अमेरिका, ऐसा हो जाता है वो बना कर, एक तरह मोटा माने पर्वत एरिया समुद्र तल, ऐसा हो जाता है, कहीं पतला कहीं मोटा, किधर जल गया कहीं तो कच्चा, एक ही रोटी, एक तरफ तो जल गया एक तरफ कच्चा। वो बड़े आदर से हमको दे देते, और हम उसको छाट के रखते थे, पहले हम उसको खाते थे। वो प्रेम कुछ अलग होता है, वो प्रेम कुछ अलग होता है। हम उसको और खाए ना खाए, उसको हम खाएंगे ही। लाली जब प्रेम से आकर कैसी एक टेरा मेरा मोटा सूटा एक गला मोटा गीता जान दो लाके देती थी हमको। तो ऐसा भगवान भी ऐसे ही, भक्त जब प्रेम से देते हैं तो भगवान उसको ऐसे ही प्रीति के साथ उसको ग्रहण करते हैं, है ना। पत्रंग पुष्पंग फलंग त्वंग जो में भक्त प्रजच्छति तदंग भक्त पढ़ित मसना में प्रजतात्मनः। पत्रंग पुष्पंग फल जो भी देते हैं, पत्रंग पुष्प, पत्र पुष्प क्या है, पत्र माने तुलसी पत्ता, यहाँ और कोई पत्ता भगवान थोड़ी खाते हैं, तुलसी पत्ता यहाँ पुष्प जो भी देते हैं, तो मैं उसको प्रेम से उसको स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं जे हम छप्पनों को खिलाएंगे, तुम्हारे प्रीतिपूर्वक जो भी उपहार देते हो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रश्न होते हैं भगवान, जो वो वस्तु तुम जब एक वैष्णव को देते हो आदर के साथ, हमारे भक्त का प्रसन्नता संपादन करते हो, भगवान कहते हैं इससे हम अधिक प्रसन्न होते हैं। मैं अधिक प्रसन्न होता हूं हमारे भक्त, भक्त सब एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय, जितना उपाय है भगवत प्रसन्नता संपादन के, भगवान प्रसन्न हो गया तो हमारा बाकी क्या रहेगा, सब देने के लिए तैयार है। कोई जोग साधना कर अष्ट सिद्धि नवनिधि के लिए, भगवान बोलते अच्छा कष्ट करके इतना तीव्र तपस्या करके जन्म जन्म तपस्या करके जोग साधना अष्ट सिद्धि, अच्छा लिए अष्ट सिद्धि बस उतना ही समाप्त हो। और भक्त कोई तपस्या नहीं कुछ नहीं, रोते हैं छाती पीट पीट के रोते हैं, आप रणेश्वरी राधा रानी तुम छोड़ के हमारा कोई नहीं, और भक्त का सेवा में रहते हैं, तो भगवान इसको आदि हमारा कुछ नहीं रहता है। अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त को अधीन हूँ, अस्वतंत्री बुद्धि जो, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। ऐसे भक्त प्रेम में हम किस तरह से फंसा लेते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। निरपेक्ष मनिंग शांतंग निर्वीर समदर्शिना अनुब्रजमहम नित्यंग पुत्रंग जीर्णवी, उसके पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ, ऐसे भक्त वत्सल भगवान। तो कहते हैं तो वैष्णव सेवा, संत सेवा, संत माने ये दाढ़ी जटा होने से संत नहीं, संत माने जो भगवत चरण समर्पित है। स अंत शांत, संत माने क्या, जिसका हृदय शांत हो गया, इंद्रिय वृत्ति शांत हो गया, जो भगवत चरण में मन को सन्निवेशित करके एकदम शांत हो गया, वो है संत। जो शांत वो संत, इंद्रिय वृत्ति शांत हो गया, भगवत चरण में इस तरह से समर्पित होकर के भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता, वो तो गृहस्थ भी हो सकता है, ऐसा नहीं जो ये त्यागी बाबा जी जटाधारी होना जरूरी है, ऐसा बात नहीं है, वो गृहस्थ भी हो सकता है। ऐसे संत सेवा, यतिक वैष्णव सेवा परम उपाय।